नहीं, स्टॉप पे तो यहाँ पर रेड लिखा है, अंतरी जंक्शन है ये। इसी रूट पर मैंने नया एक्टिविटी लेके आया, ये वाला। वैसे तो पहले गेम प्ले कर चुका हूँ। सामने यहाँ पर WDP4D है यार, ये सब भी क्यों नहीं आ रहे हैं? इनका भी ट्रिगर वेटिंग पे लगा यार, क्या बोलूँ अब मैं। आ गई सिंगल राशि जाम हो रखा है यहाँ पर। देखो ये भी रुका पड़ा है, WDP4D है। कौन कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता, यहाँ दिक्कत कर रहा है बस ये वाला। चलो तो कोई नहीं, बात चलते वो भी ट्रेन के पास। अरे कहाँ पर ट्रेन को रोको समझ नहीं आ रहा यार। लूप लाइन पे खड़ो कि मेन लाइन पे खड़ा करूँ समझ नहीं आ रहा अभी मेरे को। यहाँ गलती करी तो एक्टिविटी पूरी क्रैश रहेगी। क्रैश नहीं मतलब मज़ा ख़राब हो जाएगा। इसको रिवर्स लूँ क्या मैं? मेरे कंट्रोल में आंदा एक्टिविटी लेना पड़ेगा मेरे को। इसको मेरे कंट्रोल में लेना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसको आगे जाने के लिए। चलो ट्रिगर से काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन अभी मैंने ट्रिगर का सेट कर दिया है। हल्का से पावर दिया था बस मैंने, टोटल लाइफ 5 का। अब देखते हैं कब तक ये निकल जाता है, हमें सिंगल मिल जाएगा। ये रुक के जा रहा है यार यहाँ पर, ये रुकने दिक्कत कर रहा है ना अपने को। नहीं जाएगा ना, हमें सिंगल क्लियर मिलेगा आगे। इसको निकालना पड़ेगा यहाँ से कहीं से भी। टोटल तो मैंने हल्का सा फिर से दे दिया इसको अभी। अब क्या होता है, स्पीड ब्रेकर निकल सकते हैं। आ गई है, थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी रूट में, इसलिए कहता हूँ पूरा गेम तो देख लिया करो। अभी ट्रैफिक एक्ट बनाने के चक्कर में थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है, कहीं कहीं ट्रिगर वर्क नहीं करता। इतना हैवी ट्रैफिक एक्ट रहना इसलिए। चलो अभी ये ट्रेन साइड वर्क ट्रैक पर आ रही है। इसको पहले पहुँचने दो, हम अपनी ट्रेन को देखते हैं अभी यहाँ पर कहाँ तक, कहाँ तक की नहीं वहीं रुकी पड़ी होगी और कहाँ जा सकती है। सिग्नल का वेट करेंगे हम भी अभी। चलो येलो सिग्नल मिल चुका है हमें, एक लंबा सा हॉर्न देते हैं फिर से। काफ़ी मस्त हॉर्न है इसका, एकदम रियलिस्टिक है। चलो अब निकलते हैं अब यहाँ से। एकदम जर्किंग सी वैसी हो गई है, ऐसे रियलिस्टिक होती है। थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं टोटल, वैसे भी ट्रैफिक अभी कम आएगा। ज़्यादातर व्हील स्लिप ही हो रहा है, ट्रैक्शन तो बहुत कम आ रहा है, व्हील स्लिप ज़्यादा हो रहा है इस पर यहाँ पर। कोई नहीं, स्पीड की लिमिट तो येलो को फॉलो करके चलेंगे। येलो के जल्दी येलो दे रखा है हमें, सामने रेड सिग्नल दिखाएगा हमें भी फिर से। इतनी स्पीड काफ़ी है अभी चलने के लिए आगे। बाकी इसमें जो भी एडवांस और अपडेट दिखाए हैं, मैं इनका ऑनर नहीं हूँ, कहीं आप लोग मेरे को ऑनर समझ कर सब कुछ मांगते फिर दो। जो भी लोग इनके ऑनर हैं, मैं उनको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगा, क्योंकि उन सबको जाता है क्रेडिट जो भी इनके मॉडल्स हैं। इसीलिए जो भी अपने क्रिएटर्स हैं रूट में कर हैं, इन सबको क्रेडिट देना पड़ता है ना। इतनी स्पीड काफ़ी है, थोड़ा स्पीड करूँ 30 तक चलते हैं। सिग्नल तो ऐसा ग्रीन नहीं मिल जाएगा आगे चलकर। पूरा एक्टिविटी प्ले करूँगा ये वाला सही से आज, क्योंकि शायद मैंने ध्यान से बोला सिग्नल फॉलो करना है। बिना सिग्नल फॉलो किए चलोगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। सामने डबल येलो है क्या? नहीं, ग्रीन सिग्नल है और सामने हमारा ट्रैक चेंज भी दिखा रहा है। ये कैसे यार, ट्रैक चेंज की लाइट भी जल रही है यहाँ पर अभी। शायद से सीरियस चीज़ सिग्नल है मेरे को लग रहा है। ये सिग्नल बहुत मस्त लग रहा है यार, दूर से एलईडी लाइट ब्लिंक कर दे रही है। स्पीड तो अभी 65 का लिमिट मिल चुका है, फिर भी हम ज़्यादा एक्सीड तो करेंगे नहीं अभी। अब सामने कब क्या हो जाएगा वो ठीक नहीं है अभी। अचानक से येलो मिल जाता है यार, ये दिक्कत लगती है। काफ़ी दिन बाद हमने AMD लोकोमोटिव यूज़ किया है ना, वरना बाकी गेम प्ले में तो मैं वैसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अब F4 तो पिछला गेम प्ले आपको काफ़ी मस्त लगा, WCR रूट पर किया था।
काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने। और मैं बताना भूल गया था, वहाँ जो रूट में गेम प्ले किया डलेसिया रूट, उस रूट के ऑनर हैं RD गुजराती और TGP। आप लोग उनसे जाके कॉन्टेक्ट करके रूट परचेज कर सकते हो। और ये जो अपने सामने रूट और गेम प्ले चल रहा है और ये एक्टिविटी भी, ये तो हमने बनाया है मिलके, तो ये तो आपको परचेज करना पड़ेगा हमसे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का ग्रुप लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा लिंक, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। जो भी लोग रूट परचेस करने वाले हैं उनको कह रहा हूँ। सामने अभी ट्रैक्शन हमारा ही होने लग गया है, तो कोई नहीं, स्पीड को मैं इसलिए कम करके चला रहा था ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो हमें लूप लाइन पर दिया जा रहा है यार, कोई नहीं, देखते हैं सामने क्या होने वाला है। फिलहाल वो ट्रेन अभी आगरा के रुक चुकी है, अंतरी स्टेशन पर हम तो अभी अराइव कर रहे हैं। रेड सिग्नल मिला है हमें यहाँ पर, तो एक लंबे से हॉर्न देते हुए यहाँ पर स्टेशन मास्टर को अलर्ट करते हैं कि अपनी ट्रेन स्टेशन से आ चुकी है। ज़्यादा स्पीड कम कर दिया मैंने, इतनी कर देना स्पीड काफ़ी रहेगा। प्लेटफॉर्म नंबर भी यहाँ पर दिखेगा आपको, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 है, 1 2 3 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा यहाँ पर। 2 मेन लाइन है, 1 लूप लाइन है। ये ट्रेन यहाँ पर रुक चुकी है आके, तो गाइस मैं यहाँ पर अभी कुछ तरफ़ करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं अपने WDP 4D पर रिप्लेस कर दूँगा और वहाँ से मैं Wi-Fi कर लूँगा। अब यहाँ से अब मैं Wi-Fi को चलाऊँगा। बस बस रुक, ट्रेन रुकने दो यार, ट्रेन का कंट्रोल तो अपने हाथ में ले लूँगा। यहाँ से मतलब मान लो अपना लोकल चेंज होने वाला है, बस और आगे चलते हैं एकदम, ताकि ट्रिगर करने में कोई दिक्कत ना हो। और थोड़ा सामने चलते हैं, बस पीछे देखते हैं, पीछे पूरी ट्रेन अपनी आ चुकी है प्लेटफॉर्म पे। पूरी ट्रेन तो मैं एंट्री करवा देता हूँ, हाँ पूरी ट्रेन आ चुकी है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, बस 50 मीटर तक रुकेंगे। साइड से क्रॉसिंग हो रही है WDM 3D लोकोमोटिव के साथ, बस अभी हम यहाँ पर रोक देते हैं और यहाँ से क्रॉसिंग का एंजॉय करो आप लोग। काफ़ी शानदार क्रॉसिंग किया WDM 3D लोकोमोटिव ने, ICF उत्कृष्ट रेक के साथ। काफ़ी लंबा अपना गेम प्ले हो गया, नहीं कोई बात नहीं, सही सेम इतना लंबा होने वाला है। ऐसे आपको भी ऐसे खेलना है, एकदम इंजॉय करते हुए खेलने, तभी पूरा एक्ट का मजा ले पाओगे। अभी तो बहुत दूर जाना है अभी तो, और कहाँ पे हमारी ट्रेन खड़ी है, यहाँ पे अभी हमें थोड़ा सा बस 7 मिनट में कवर कर लेंगे, मतलब कि आधे से आधा घंटे की एक्टिविटी होती है। चलिए हमारा Wi-Fi का काम खत्म हो चुका है, Wi-Fi को मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ। कर लूँगा एक्सचेंज कर लूँगा, सामने ट्रैकिंग करने का ऑप्शन है यहाँ पर, नहीं है, छोड़ो यार, लंबा सा हॉर्न देता हूँ बस। Wi-Fi का हॉर्न भी सुन लो यहाँ पर, अभी ये वाला हॉर्न सुनने को बहुत कम मिलते हैं। मैं ऐसा डिपार्ट करता हूँ WDP 4D के साथ ही। मैंने ऐसा डिपार्ट कर दिया 64 का लिमिट मिला फिर से यहाँ पर।
64 को ज़्यादा ज़्यादा नहीं हो गया यहाँ पर? थोड़ा शायद ही ध्यान रखो इस चीज़ का यार, कम से कम 30 का लिमिट तो यहाँ पर होना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि तो ट्रैक चेंजिंग अहेड भी है यहाँ पर, कि यहाँ तक तो एक्टिविटी सही चल रहा है, बाकी पूरा देखते हैं। ये एक्टिविटी मैं सही से खेल रहा हूँ मेरे हिसाब से लग रहा है, अभी तक का सबसे मस्त एक्टिविटी मैं यही फिलहाल प्ले कर रहा हूँ। बस वीडियो के स्टार्टिंग में दिक्कत हो गई थी, और वहाँ ट्रेन नहीं रोकता तो दिक्कत हो जाती, और तो मैंने कैसे कैसे करके एमरजेंसी ब्रेक अप्लाई किया और ट्रेन को हल्का सा रिवर्स करना पड़ गया था। और स्पीड इंक्रीज करते हैं अपना। फेसबुक पेज को फॉलो करना है तो फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दस बज के 25 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर गेम में अपना टाइम दिखा रहा है, तो 25 से 26 मिनट तक हमने गेम प्ले पूरा कर लिया है, बाकी और थोड़ा अभी और आगे चलते हैं, पूरा एक्टिविटी ख़त्म करेंगे ना, बाकी इससे लंबे लंबे रूट भी है बहुत आने वाले हैं। जैसे अभी न्यू दिल्ली से अजमेर तक का अभी स्टार्ट किया है शायद भाई ने, और भी रूट अभी आ रहे हैं, न्यू दिल्ली से गाज़ियाबाद तक का रूट भी आ रहा है, और साउथ का रूट अभी आने वाला है, केरला बी टू तो प्ले कर चुका हूँ, मतलब उन सभी रूट पर एक्टिविटीज़ भी आ रही हैं। और ये WTP 4D यहाँ पर ICF रेक्स के साथ, नहीं ICF नहीं, उत्कृष्ट पार्सल वैन है यहाँ पर जो हमें क्रॉस कर रही है यहाँ पर। बाकी LHP का ट्रैक ये वाला सही लग रहा है क्या आपको? नहीं, जो क्रॉसिंग हो रही है उसका ट्रैक साउंड है, अपने ट्रैक साउंड तो यहाँ पर अच्छे अलग ही आ रहे हैं अभी, व्हील से डीप साउंड। बस ये देख लो अपना कोच का इंटीरियर, दोनों में से कौन सा ऑलमोस्ट लगा आपको जरा जल्दी से कमेंट में बताओ। और गेम प्ले मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज ही गेम प्ले आएगा 3 तारीख को। बाकी WCR रूट में एक दिक्कत हो गई थी यहाँ पर, अभी हम स्टेशन को स्किप कर रहे हैं, पहले देखता हूँ नाम क्या है स्टेशन का, अनंत पेट नाम है स्टेशन का, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। WCR रूट में एक दिक्कत हो गई थी, यहाँ पर एक्टिविटी सही से प्ले नहीं कर पाया था मैं, पता नहीं कुछ सिग्नल बॉक्स आने यहाँ पर, और मैं सिर्फ सिग्नल देख के ट्रेन को ड्राइव कर रहा था, तो ये तो मैं समझ ही नहीं पाया था कि क्या करना है। सामने से एक और क्रॉसिंग हो रही है क्या, वैग G9 है मालगाड़ी के साथ, फुली लोडेड कोल फ्रेट ट्रेन है भाई, यहाँ पर जितने भी लोकोमोटिव आपको दिख रहे होंगे सारे एकदम फ्री वेयर हैं, और हम MLW का लोकोमोटिव कोच बैग यूज़ कर रहे हैं। क्या ही क्रॉसिंग है वैग 9 का, बस ये हॉन्ग करती तो और मजा आता, फुली कोल फ्रेट ट्रेन है। कुछ ज़्यादा शार्प कर रहे हैं यहाँ पर यार, कोई नहीं सब ठीक चलेगा, फिर भी सब तो मक्खन चलता ही है। यहाँ पर एक ब्रिज भी है क्या छोटा सा मोटा, यहाँ पर दो ट्रैक, अच्छा ट्रैक डाइवर्ट होते हैं यहाँ पर यार शायद, ये देखो यहाँ पर रूट टेस्ट कर देख रहा ना एक बार, यहाँ पर ब्रिज में ट्रैक्स नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है ट्रेन अपनी हवा में चल रही है, बाकी पानी का टेक्सचर बहुत मस्त कर रखे हो यार। Thank you.
बाकी पानी के बीचों बीच अपनी राजधानी एक्सप्रेस निकल रही है, बस निकल जाएगी पूरा। ट्रैश फंड कमा रहा है बस। काफ़ी आराम से एक्टिविटी प्ले करते हुए चलना पड़ रहा है, ज़रा स्पीड को मैं इंक्रीज कर सकता है इस बार। यहाँ पर कुछ पावर स्टेशन था लेकिन शायद मैंने कंप्लीट नहीं किया इसको। कुछ पावर स्टेशन यहाँ पर कंप्लीट कर दिया करो यार, ऐसे आधा थोड़ा मत छोड़ा करो। अभी क्या था, काम चल रहा होगा यहाँ पर इसलिए कम्प्लीट नहीं हुआ है। अगर सिग्नल पर हमारा फिर से वाइट वाली लाइट जल चुकी है, फिर से हमारा ट्रैक्शन होने वाला है कहीं ना कहीं। कहाँ तक पहुँचा था लोग को, बस ख़त्म होने वाला है एक्टिविटी। ग्वालियर जंक्शन से लेकर अपना ये डाबड़ा तक अपना एक्टिविटी है, ये रूट भी यहीं तक ही है। यहाँ पर सिग्नल मेरे को येलो मिला है, सामने रेड सिग्नल दिखाया है मेरे को यहाँ पर, तो रोकना पड़ेगा ट्रेन को शायद से। मैं लास्ट स्टॉप पे आ चुका हूँ अपने। हाँ, अपने हम दराबा स्टेशन पर एंट्री कर चुके हैं। बस आधे घंटे तक का ये एक्टिविटी था। ये किसका बैग नहीं का हॉर्न है यहाँ पर, हॉर्न देखते समझ गया मैं किसका हॉर्न हो सकता है। पैसेंजर मैं मूव कर रहे हैं यार, देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, कितना क्यूट लग रहा है वैग नाइन। शांति से आता हुआ, शांति नहीं, हॉर्न तो बजाया था इसने। और ये क्या, यहाँ पर इसको LHV का रेस क्यों मिले हैं यार, या फिर LHV को वैग नाइन क्यों मिला, ये भी कह सकते हो। वैग सेवन दे देते इससे बढ़िया, या फिर कोई EMD लोकोमोटिव दे दिए होते। वैग नाइन तो मालगाड़ी का ही बना है, तन क्या ही चल रहा है यार शाहिद भाई, रियल वर्ल्ड में चल ही रहा है। वैग सेवन से मालगाड़ी चला रहा है और वैग फोर से भी। जो लोग इंस्टाग्राम में देखते हैं स्टोरी वगैरह, उनको पता होगा क्या चल रहा है अभी। वहाँ पर मेरा कट करना पड़ा मेरे को, थोड़ा क्लिप स्टोरेज फुल हो गया था, स्टोरेज नहीं वीडियो क्लिप साइज फुल हो गई थी, इसलिए कोई नहीं। अभी आधे घंटे पूरा गेम प्ले हुआ है तो पूरा गेम प्ले डालूंगा बिना कट किए हुए। बट यहाँ पर अभी रुकना पड़ेगा ट्रेन पूरा अपना, बस 300 मीटर है बस प्लेटफॉर्म पर। ट्रेन अभी एंट्री कर जाने दो फिर रोक दूँगा, ज़्यादा फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। बस मेन लाइन पर तो मेन लाइन नहीं, पूरे स्टेशन पर एंट्री करना था प्लेटफॉर्म पर। पैसेंजर मूविंग एक्टिविटी तो यहाँ पर देखने को मिल रही है आप सभी को, इसलिए हमने पेड रखा है इस रूट को। तो यहाँ तक ये एक्टिविटी कैसा लगा आप सभी को कमेंट जरूर से बताना। और आपको एक्टिविटी परचेज करना है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। डाबड़ा है कि दुबड़ा स्टेशन है यार, डाबड़ा स्टेशन है। चलो बस अपना लोकोमोटिव रुक चुका है, रुक देते हैं बस, एक बार आगे चलते हैं। क्या बोलते हो, इस रूट को हम एक्सटेंड करें कभी आगे चल कर फ्यूचर में, आप लोग कमेंट जरूर से करना अगर आपको रूट ये एक्सटेंड करवाना है तो। अभी हम आपके लिए रूट पर हैवी ट्रैफिक एक्टिविटी लेके आ रहे हैं, बहुत सारे रूट हमारे पास पड़े हैं तो उन्हीं रूट पर आपको हैवी ट्रैफिक एक्ट देखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, मेरे चैनल को भी और शाहिद भाई के चैनल को भी। मैं चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, क्योंकि वो लोग ने उन्होंने ये रूट बनाया है और एक्टिविटी का काम मैंने किया है, रूट उन्हीं ने बनाया है बस। तो आज